हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G84 फ़ोन है, तो मोटो G84 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के, और फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे मोटो G84 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने मोटो G84 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं अपने मोटो G84 फ़ोन को, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सिस्टम सेटिंग्स। तो सिस्टम सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। रीसेट ऑप्शंस पे जाना है, तो रीसेट ऑप्शंस पे जाकर देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इरेज़ ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट। तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना है या फिर अपने फ़ोन का ऑल डाटा रीसेट करना है, तो आप इस ऑप्शंस के जरिए फ़ोन को इस तरीके से पासवर्ड डाल के इस पर क्लिक करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन का डाटा रीसेट हो जाएगा और आपका फ़ोन भी रीसेट हो जाएगा और फ़ोन फैक्ट्री रीसेट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं कि रिजॉल्व डाटा का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग्स रीसेट करना चाहें कर सकते हैं, फिर नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करना चाहें तो कर पाएंगे, और साथ में ही फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।